यार जी, तुम बिल्लू से लंडे की जर्सी ले गई है, वो 2000 में नहीं मेरी, जरा इसको 3000 कर दो। क्या 3000? 2000 कैसा निकलता है हम ही जानते हैं हमारी जेब से, तुम कह रही हो 3000 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो लंडा एक ब्रांड है, एक तो मैं तुम्हें चीज पूरी परफेक्ट दे रहा हूँ, परफेक्ट जर्सी है वो। ऐसा परफेक्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता। ओ यार, 3 दिन से बिल्लू ने कोरमे की शक्ल नहीं देखी, बिरयानी खा खा के मेरा बुरा हाल हो गया यार, बिल्लू की मजबूरी को समझो। सच में हम तुम्हारा मजबूरी और तुम्हारा जो समस्या है वो थोड़ा समझ रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो तो फिर ठीक है ना, 3000 रुपए में ले लो। देखिए, समझने वाला समझाइए, आप चाहिए क्या आपको वो बताइए। चलो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए 2950, अब इससे कम बिल्लू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्लू का सारा का सारा लंडे का कारोबार ही ठप हो जाएगा। तो पा गए हो क्या? 2700 आखिरी है फिर। 25 में डन करना है तो करो, नहीं तो दरवाजा तुम्हारे सामने है, जाओ यहाँ। ठीक है तुम भी के याद करोगे किस सखी से तुम्हारा पाला पड़ा है, जाओ ले लो 25 की, एंजॉय करो एंजॉय, लंडा पहनो लंडा। अच्छा यार, मुझे एक बार बताओ, मैंने सुना है मैडम सर की शादी हो रही है, तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं अकेले को? आप लोगों को अलग से न्योता देंगे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, इकट्ठा ही जाया ठीक है, वो टाइमिंग क्या है? 9 से 5 का बोला है यार। वो फिर ना बिल्लू को ना आप लोगों की जरा मदद चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम आपका मदद करेंगे। पहले सुन तो लो, वो बिल्लू जरा शादी पे वो शॉपर वगैरह। जोर से बोलो यार, वो शादी पे बिल्लू वो शॉपर वगैरह वो, समझ जाओ ना। अच्छे से समझाइए आपका कहना चाह रही, क्योंकि हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही। यार तो ये बिल्लू प्यारा सा बिल्लू अर्ज ये कर रहा है कि बिल्लू शादी पे जरा 2 से 3 शॉपर ले गएगा, 2-2 किलो वाले, तो जरा वो बिरयानी और कोरमा डालने में मेरी मदद कर देना। बकवास कर रहे हैं आप भैया। यार देखो, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे और तुम्हें करनी पड़ेगी। कुछ भी बकैती किए जा रहे हो और हम मान लेंगे क्या उसको? हाँ हाँ, माना तो तुम्हें पड़ेगा यार। वैसे मैं सोच रहा था कि बिरयानी के 2 बड़े हुए शॉपर तुम्हें भी दे दे, मगर तुम्हारे पास तो कोई आइडिया नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल आइडिया है, बहुत जबरदस्त। हेलो। हाँ हेलो, करिश्मा सिंह को जो आपने काम कहा था वो नहीं हो सका। वाह क्या बात है, मतलब बस करिश्मा सिंह, मैं बिल्लू को चोर नहीं है, बिल्लू ने चोरियां करना छोड़ दिया है, मैंने नहीं चोरी वोरी करनी कोई। हमारा बात तो सुनो, आका हुआ क्या? वो जो आपने कहा था ना कि मेरी बाइक के लिए टायर चोरी करके लेके आओ, तो बिल्लू वही चोरी करने गया था, मगर उन्होंने पकड़ लिया, बहुत मारा है, मेरी तो हवा निकली पड़ी है इधर। मां तुम आदमी हो या सस्ती साइकिल के टायर जिसकी 2-2 मिनट में हवा निकल जाती है? हाँ हाँ, एक तो बिल्लू तुम्हारे काम के लिए मोटरसाइकिल के टायर चोरी कर रहा है, और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो, बिल्लू को गुस्सा ना दिलाओ आप। हम समझ रहे हैं तुम्हारा गुस्सा। नहीं अब तुम बिल्लू का गुस्सा ना समझे, जो आगे बिल्लू ने पेच खोले ना वो आगे तुम कस दो पहले। जो भी पेच ढीले हुए हैं उसको हम कस देंगे, हमारा वादा है तुमसे, और ये जो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। हाँ हाँ, बस रहने दो, सबको पता है तुम अपने वादे कितनी पक्की है, वादा 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 वादा। और अब ये सब कुछ छोड़ो और यहाँ आगे जल्दी से मेरी मदद करो, पेच कसने में बड़ा मार रहे हैं मुझे, जल्दी जल्दी आ जाओ इधर। मत हमा रहे हैं, हम आते हैं ठीक। हेलो, आप करिश्मा सिंह बोल रही हैं? जी बोल रहे हैं। यार कल मैंने तुम्हें देखा था, तुम गोलगप्पे खा रही थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ फिर? लेकिन तुमको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है इस बात का कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, समझे तुम? अच्छा अच्छा ठीक है यार, तुम तो गुस्सा ही कर गए हो, मगर यार अगर तुमने उस वक्त बिल्लू को बुला लिया होता ना, तो बिल्लू ने तो फिर उसको छोड़ना ही था, मार मार के चटनी बना देनी थी। एकदम डर जाते हो, तुम्हारा प्राण हलक से बाहर निकल जाता है। यार जब ऐसे बंदे के पास पैसे ना हो तो दही पल्ले और गोलगप्पे नहीं ना हमारे चाहिए फ्री के। क्या बोले? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था वैसे ही। तोपा हो क्या? अच्छा यार मेरी बात सुनो, मैंने ना तुमसे एक बहुत सीरियस किस्म की बात करनी थी। जी 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 मैं। यार वो बिल्लू को एक लंडे का कोट पसंद आ गया और बिल्लू के पास पैसे नहीं है, तो जरा थोड़े से पैसे तो दे दो। वाह क्या बात है, मतलब यार इसमें वाह क्या बात वाली क्या बात है, बताओ दे रही हो कि बिल्लू कहीं और जाके हाथ फैलाए? सोचने तो दो, तुम 2 मिनट। 2000 years later। हेलो मैडम सर, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। यार क्या बताऊँ, बस बिल्लू 2 नंबर तरीके से दुबई की फ्लाइट पर बैठने ही वाला था कि उन्होंने पकड़ के वापस बिल्लू को भेज दिया। इन दैट केस वेलकम बैक। वेलकम बैक शेख सर, मैंने सुना है बड़ी शादियाँ हो रही हैं, बड़ी प्रोफाइलें बनाई जा रही हैं। हमने नहीं बनाया है प्रोफाइल। यार तुम भी कैसी अजीब बातें कर रही हो, तुमने नहीं बनाया तो क्या इधर ऑटोमेटिक आ गया? अम्मी ने जबरदस्ती बनाया है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जबरदस्ती और अम्मी ने, बिल्लू तो पागल है ना। ठीक है ठीक है।
आपके पेट में बात रहेगी। यार देखो, बिल्लू गरीब का जो पेट है ना वो आगे बड़ा छोटा है, वो दाल चावल खा के भर जाता है, और बिल्लू के पेट में फिर कोई बात रहती ही नहीं है, तो मैं तो सबको बताऊंगा। लरी चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बात पेट में ही रहेगी। तो रखिए पेट में बात। अच्छा तो यार मेरा एक काम ही कर दो, बिल्लू से ना खड़े हो गए, काम नहीं होता, मेरे लिए कुछ चेयर वेयर का इंतजाम करा दो। एक काम करते हैं, सरकारी खर्चे पर आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेड तकिए और गद्दे के साथ लगवाते हैं। हे, नहीं यार इसकी क्या जरूरत है, तुम तो सीरियस ही हो गई हो। पूछिए कि लाकी गेट पर सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे। हे यार, एक तो तुम ना मजाक भी नहीं समझती, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बार बार सीरियस हो जाती हो, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं मजाक कर रहा था। हाँ जी हेलो, कौन? हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं राहुल का अब्बा बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ। क्या कहा, तुम पंडावी बोल रही हो? हैं, तो पहले आप ये शब्द बोलना सीखे, नहीं बोला जाता तो मत बोला कीजिए ना। ओ हेलो मैडम, मेरी बात सुनो, अभी तुम बिल्लू को जानती नहीं हो, ये ना अगर बिल्लू को गुस्सा आ जाए बिल्लू तबाहियां मचा दे, समझी ना। अम्मा कहाँ बकैती कर रहे हो, कुछ भी बकिए जा रहे हो, हवालात के अंदर डाल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। हे, नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना सीरियस ही हो जाती हो। यार आ गई, बिल्लू से लड़ने का काम नहीं हो रहा, तुम फोन करी जा रही हो, बताओ क्यों फोन किया है? मिलना था, आप कब मिल सकते हो? हेलो बिल्लू, इतना वेला नहीं है कि हर अड़ी गड़ी लड़की से मिलता, पर ठीक है ना, और वैसे भी बिल्लू का लड़ने का चुप रहो ये। यार क्या तुम फोन करके बिल्लू की बिस्ती करी जा रही हो, ऐसे ही लड़के ने एक दफा बिल्लू की बिस्ती की, फिर क्या, बिल्लू ने पूरी तैयारी की, कोट शर्ट पहना, परफ्यूम लगाई और गया उसको मारने, मगर फिर यार उसने भागे बंदे बुलाए थे तो बिल्लू मार खा के आ गया। हाँ मगर तुम किसी खुश फैमिली में न रहना, तुम्हें बिल्लू छोड़ेगा नहीं, ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के गिरोगे और मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा। नहीं अब तुम इस गरीब बिल्लू पे हाथ उठाओगी? गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे। हाँ भाई शरीफ और घटिया। नहीं नहीं, नेक बिल्लू पे हाथ उठा के तुमने पाप करना था, पाप। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र करो मैंने तुम्हें इससे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए।